नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। पूरे देश में चुनाव का माहौल है। देश में 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं और आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। आपका एक वोट देश का भविष्य तय करेगा। देश किस ओर जाएगा ये आपका एक वोट तय करेगा। आज सुबह सुबह जब मैंने अखबार खोले तो उसमें मुख्य पृष्ठों पर जो खबरें थी वो थी कि सभी के सभी नेता जातीय समीकरण भिड़ाने में लगे हुए हैं। और अब अखबार के पन्ने पलटोगे तो अंदर एक खबर और थी, खासकर हरियाणा को लेकर, के प्रदेश के 30,000 आढ़तियों ने ई ट्रेडिंग को लेकर, यानी कि जो फसलों का जो एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो खरीदारी है उनको आप ऐप पर रजिस्टर कराइए, उसके बाद वो खरीदारी करेंगे, इस तरह की इन चीज़ों को लेकर ई ट्रेडिंग पर हड़ताल की आढ़तियों ने, और किसान मायूस होकर लौट रहे हैं। यहाँ पर दो बात सोचने की है। एक तो ये कि नेता लोग जातीय समीकरण भिड़ाने में लगे हुए हैं, कोई विकास की बात नहीं कर रहा है, कोई पढ़ाई की बात नहीं कर रहा है, कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई इसकी बात नहीं कर रहा है कि किसानों की जो फसल मंडियों में पड़ी है, अनाज जो मंडियों में पड़ा है उसको कैसे खरीदा जाए। उधर खट्टर साहब कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, लेकिन कौन सा विकास, कैसा विकास? क्या आम आदमी या किसानों की फसलों के दाम उनको पूरे नहीं मिल पाते इस बात के? तो दोस्तों, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बात समझाना चाहता हूँ कि नेता लोग जातीय समीकरण भिड़ाने में लगे हुए, और वो भिड़ाएंगे क्योंकि उनको पता है आप लोग बटे हुए हो। आप लोग बटे हुए हो जाट नॉन जाट में, आप लोग बटे हुए हो हिंदू मुस्लिम में, आप लोग बटे हुए हो कोई सिख है, कोई जाट है, कोई मराठा है, कोई चमार है, कोई दलित है, कोई समथिंग ये वो, इस तरह आप बटे हुए हो। और वो अच्छे तरीके से भिड़ाएंगे अपने समीकरण, और आप लोग भी अपनी जाति के आधार पर वोट दोगे, और फिर 5 साल के लिए आप गुलाम बन जाओगे उन लोगों के। किसानों को भी सोचना चाहिए कि 2,000 रुपये में आपका भला होगा या आपकी फसल के अच्छे दाम मिले, ये इसमें आपका भला है। आप लोगों को याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी पहली ही रैली में कहा था कि पहली ही कलम से मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दूंगा। किसानों को अब जवाब मांगना चाहिए। 5 साल बीत चुके हैं मोदी के, उन्होंने नहीं दिया है आपको 1.5 गुना, इस बात पर क्यों नहीं करते आप? 10% आरक्षण तो दे दिया, लेकिन आरक्षण से क्या आप लोगों को नौकरी मिल पाएगी? सरकारी नौकरियों की भर्ती ही नहीं की जा रही। तो आप लोगों को सोचना होगा कि आप अगर जाति पर वोट डालेंगे तो आपको फिर वही मंडियों में इसी तरह से अपनी फसल को ले जाओगे, औने पौने दामों में आढ़तियों को दोगे। सरसों खरीदी नहीं जा रही है सरकारी भाव पर, और खासकर जब से ये ऐप में आपको ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन कराना है तब से और भी मुसीबत है। अगर आप सरकार ने तय कर दिया कि आपकी 6 क्विंटल से ज़्यादा नहीं खरीदी जाएगी, और अगर आपकी सरसों 5 किलो यानी कि 5 केजी अगर ज़्यादा है तो भी वो आपको वापस कर दी जाती है, ये कौन सा तुक है भाई? तो मैं उत्तर भारत के, खासकर उत्तर भारत क्या पूरे भारत के वोटरों से मैं अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ कृपया जाति पर वोट न दें, धर्म पर वोट न दें, क्षेत्रवाद पर वोट न दें, क्योंकि जब तक आप जात पात धर्म, क्योंकि आप देख सकते हो 2016 में हरियाणा में जिस तरह से आग लगी थी, उधर धनखड़ ने भी यही बयान दिया है कि हरियाणा को जलाने वालों का हिसाब लिया जाएगा। भाई किसने जलाया था? सरकार आपकी थी, पुलिस आपकी थी, क्यों नहीं रोका आपने? उधर आपके ही केंद्र के मंत्री जसैया में जब जाटों की मीटिंग होती है तो वहां पर वो सभा को संबोधित कर रहे हैं, उधर आपके ही सांसद राजकुमार सैनी जींद में रैली कर रहे हैं तो वो
नॉन जाट को संबोधित कर रहे हैं, पूरे हरियाणा को बांट दिया आप लोगों ने। आप लोग क्यों नहीं समझते यार, हमारा भविष्य नहीं है जात पात में। अब किसान हर जाति का किसान है हरियाणा में, हर जाति का किसान है यूपी में। यूपी में गन्ना किसानों को उनकी फसलों के उनके गन्ने के रेट नहीं मिल रहे हैं, हरियाणा में आपकी सरसों नहीं बिक रही है, उधर भी योगी की सरकार बीजेपी सरकार, इधर भी खट्टर सरकार, वो ऐसे नियम बना रही है कि आपकी फसल नहीं बिकेगी, आप चाहे कितना ही उगा लो कितना ही विकास कर लो, क्योंकि उनको पता है आप लोग जात पात में बटे हुए हो, वोट आपको जात के नाम पर ही घेरनी है। तो जब तक आप इस जात पात और धर्म से निकलकर वोट नहीं करेंगे तब तक हमारा भला नहीं हो सकता, तब तक हमारे हक की नीतियां नहीं लागू हो सकती। तो आपसे यही अनुरोध है, कृपया कम से कम अब की बार एक बार बिना जात के वोट घेर के देखिए, बिना धर्म के वोट डाल के देखिए, बिना क्षेत्र के वोट डाल के देखिए। ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो संघर्षों में आपके साथ रहते हैं। अगर किसानों को फसलों के दाम नहीं मिलते हैं तो आपकी फसलों के दाम के लिए आपके साथ रोड पर रहते हैं। कर्मचारियों को चाहिए कि जो उनके साथ हड़तालों में शामिल थे उन लोगों को वोट दें। इवन आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, वो जब संघर्ष करते हैं तो कौन उनके साथ होता है, ये सब देख कर के हमारे साथ पूरे 5 साल सड़कों पर कौन रहा है, कौन लोग हैं जो हमारे साथ लड़ते हैं, उन लोगों को चुनकर हम लोकसभा में भेजेंगे तो हमारी आवाज़ मजबूत होगी, नहीं तो हमारा यही होगा जो अब तक होता आ रहा है। धन्यवाद।